नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चल रही दौड़ के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को अचानक नागपुर पहुंचे, जहां वे आरएसएस मुख्यालय गए और संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से मुलाकात की। सूत्रों का मानना है कि बाबाओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने से संघ भी नाराज है। राज्य मानव अधिकार आयोग में 8 साल से खाली पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन नियुक्त होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा के कक्ष में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए या नहीं, इसे लेकर बुधवार शाम 4 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में मध्य प्रदेश शासन की राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें एक को छोड़कर सभी लोग एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में बोले। जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में सरदारपुर से भाजपा के विधायक वेल सिंह भूरिया ने अपना पक्ष रखने की बजाय कहा कि सरकार हमारी है और हम जो चाहेंगे वही होगा, फिर चाहे विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की बात ही क्यों ना हो। प्रदेश में राजस्व के कामकाज में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार अब सभी 23,000 पंचायतों को पटवारी हलका बनाएगी। इसके लिए 2,500 पटवारियों की और भर्ती की जाएगी। राजस्व विभाग कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाएगा। वहीं नायब तहसीलदार पद का कैडर रिव्यू कर करीब 550 पद बढ़ाए जाएंगे। तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के पद भी बढ़ाए जाएंगे। प्रीति रघुवंशी आत्महत्या मामले से सुर्खियों में आए मंत्री रामपाल सिंह से आईजी भोपाल जयदीप प्रसाद की मुलाकात पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इसे पहले तो प्रीति के परिजनों के खिलाफ साजिश की आशंका जताई गई और फिर ट्वीट कर कहा कि पुलिस के आरोपी से शिष्टाचार और फरियादी की सुनवाई नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMSTV के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।